स्टूडेंट के रिलेशन वाले, रिलेशन वाले प्राज्ञ। किसका? प्राज जैन। कौन प्राज जैन? आईएएस ऑफिसर। गाड़ी में है क्या अभी? मेरा बैग है, हम लोग का बैग है, हम लोग का। कौन बैग है? बैग है। बैग बोले तो हमने कपड़े का काम है। हाँ तो कपड़े का काम है तो महाराज शासन का गाड़ी कैसे लग घूम सकते हैं? बैग है, कपड़े खुद के कपड़े है ना, तो मैंने किधर ना बोला महाराज शासन का गाड़ी है, जिन अधिकारी के नाम पे है उनका है क्या? ठीक है ना, आराम से बात करो, आराम से बात करिए, कोई गलत काम नहीं कर रहे। अरे सर, अरे अरे सर, महाराष्ट्र शासन के गाड़ी में आप कैसे घूम रहे हो मेरे को बताइए। अरे प्यार से बात करता हूँ, बताओ आपका, पहले बताओ आईडी आपको। अरे मैं कॉमन मैन हूँ, मेरे को पूछने का राइट से। कॉमन मैन हो? यस। आपको? यस। हाँ तो मेरे को पुलिस है ना, पुलिस को बोलो मेरे पे गुनाह दाखिल करे, फिर मेरा राइट्स बताता हूँ, फिर मेरा राइट्स जरूर बताता हूँ। मेरे पर गुना तो दाखिल करो। कौन गुना? आपके कौन आईएएस ऑफिसर की गाड़ी लेके घूम रहे हो ना? बुलाओ उसको, पुलिस को बुलाओ अभी इधर। हाँ तो बुलाओ। हे अशा प्रकारे सर्रास गाड्या घेऊन फिरतात, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गाड्या महाराष्ट्र शासनाच्या नावाखाली फिरवल्या जातात। कोण बोलणार, कधी बोलणार? हां कपड्याचा आमचा व्यापार आहे म्हणतात आणि त्यांच्या कपड्याच्या बॅगा गाडीमध्ये भरलेल्या आहेत। काळ्या काचा लावून फिरायचं, बिंदास फिरायचं, सिग्नलच्या रोड एक्स्ट्रा डिवायडरच्या पलीकडनं गाड्या टाकायच्या। महाराष्ट्र शासन असल्या कारणाने बिचारे पोलीसही कारवाई करू शकत नाही, हे कधी थांबणार आणि कोण करणार? आणि वरनं सामान्य नागरिकांनी विचारलं की त्याला विचारायचं, तुला विचारायचा हक्क कोणी दिला? सर्वसामान्य नागरिकांनी जागरूक राहणं हा पण देशामध्ये गुन्हा आहे। आणि हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक मित्र सर्वसामान्य जनतेला विचारतात, तुला हक्क कोणी दिला? वा अरे वा। आणि पोलीस प्रशासन म्हणतं की सामान्य जनतेने जागरूक राहिलं पाहिजे। जनतेने जागरूक राहिलं की असे प्रशासनाच्या नातेवाईक आम्हाला प्रश्न विचारणार, तुला अधिकार कोणी दिला?